आज अधिकांश लोगों ने यह पूछा है कि हमारे घर की पूजा कैसी हो, हमारे घर का देवस्थान कैसा हो, क्या सावधानियां रखी जाएं। देखिए, देवस्थान हमारे घर का वह केंद्र होता है जो पूरे परिवार की ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है, और इसलिए हमारी प्राचीनतम परंपरा से लेकर आज तक हर घर में देवस्थान के लिए एक सुरक्षित कहीं ना कहीं कोई स्थान बना हुआ होता है। अब छोटा घर, छोटी सी पूजा और थोड़े से देवता, ये हमारी पूजा का सिद्धांत है। बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं घर में इकट्ठी नहीं करना चाहिए जिनमें विपरीत ऊर्जाएं होती हैं, जिनमें सामंजस्य है। अर्थात जैसे एक निवेदन किया हमने कि पंचदेव उपासना जो है इसमें हमारी सारी देवताओं की उपासना हो जाती है। पांच देवता, गणेश जी, माता जी, सूर्य भगवान, विष्णु जी और भगवान शंकर, इन पांच देवताओं में सारे 33 कोटि देवी देवताओं की उपासना हो जाती है, इन्हीं में समावेश हो जाता है। और इसीलिए हमारी शंकराचार्य परंपरा में, हमारी आचार्य कुल परंपरा में ये पांच देवताओं से ही पांच संप्रदाय बने हैं। अब गणपति जी से जुड़े हुआ जो संप्रदाय है उसमें गणपति जी से संबंधित सभी उपासना सम्मिलित है। जैसे किसी को अष्टविनायक की पूजा करनी है, किसी को सिद्धि विनायक की पूजा करनी है, किसी को वक्रतुंड की पूजा करनी है, किसी को मौलेश्वर गणपति जी की पूजा करनी है, किसी को और किसी गणपति जी के स्वरूप की पूजा की जानी है, तो ये सारी पूजा गणपति जी के इस संप्रदाय के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगी। इसी तरह से देवी जी से जो जुड़ी हुई जितनी भी पूजाएं हैं, कोई चामुंडा माता का उपासक है, कोई काली देवी को पूजता है, कोई लक्ष्मी देवी जी की पूजा करता है, कोई सरस्वती का साधक है, कोई दश महाविद्याओं की पूजा करते हैं, कोई नवदुर्गा की पूजा करते हैं, तो माँ से जुड़ी हुई जितनी भी साधना पद्धतियाँ हैं, जो उपासना के क्रम हैं, वो सब यहाँ पर समाहित हो सकती हैं, यहीं पर पूजा उनकी की जा सकती है माता जी के माध्यम से। सूर्य भगवान की पूजा आप करते हैं। अब नवग्रह साधना में अनेक ज्योतिषी हमें ये बताते हैं कि अमुक ग्रह की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, इनकी दशा खराब चल रही है, इनकी अंतरदशा खराब चल रही है, इसमें प्रत्यंतर गड़बड़ हो रहा है, ये ग्रह मारक ग्रह की दशा है और इसमें जो है हमें हानि होने वाली है, अमुक अमुक तमाम प्रकार की बातें होती हैं। तो ग्रह दशाओं को लेकर के हमारे कोई प्रतिकूल ग्रह रहते हैं तो भगवान सूर्य नारायण की उपासना में सारे ग्रहों की पूजा पद्धति सम्मिलित हो जाती है। उसमें जो भी ग्रह की हमें साधना करनी है, जिस ग्रह का अनुष्ठान करना है या कराना है, वो सब यहाँ पर सूर्य पूजन में हमारा पूर्ण हो जाता है। अब रही भगवान विष्णु की साधना, तो भगवान विष्णु से संबंधित समस्त अवतार, राम जी की उपासना, कृष्ण भगवान की उपासना, परशुराम जी की साधना, या कोई और रूप की, जो भगवान के जितने भी अवतार हैं उन अवतारों से संबंधित हमारी कुल परंपरा में जो कुछ भी उपासना पद्धति है, वह सब नारायण के रूप में यहाँ पर पूजन करने पर उन सारी पूजा पद्धति का यहाँ समावेश हो जाता है। अब भगवान शंकर से जुड़ी हुई जितनी साधना पद्धति है, जैसे भैरव की साधना है, हनुमान जी महाराज की साधना है, और भगवान शंकर ने जिन जिन रूपों में द्वादश ज्योतिर्लिंग इत्यादि जो कुछ भी साधना के क्रम बताए गए हैं और जिन जिन रूपों में उनकी उपासनाएं होती हैं, वो सब यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा से उनका सबका समावेश यहाँ पर हो जाता है। इसलिए ये पांच देवताओं की उपासना हमारे घर में मुख्य है। अब यदि हमारे यहाँ पर मूर्तियां न हो तो क्या किया जा सकता है इन पांचों देवताओं की उपासना का क्रम? बिल्कुल किया जा सकता है। सामान्य रूप से किसी भी प्रतीक के ऊपर, चाहे हम पांच सुपारी रख लें, चाहे हम पांच जो हैं नर्मदा जी अथवा किसी तीर्थ के वहां से कोई भी जिनके प्रस्तर खंड पत्थर जो होते हैं पूजित होते हैं उनको भी ला करके आप उपासना में रख सकते हैं। हम मिट्टी से भी पांच देवताओं की कल्पना करके और उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं, उनकी प्रत्यक्ष मूर्तियां भी रख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, अभी एक बहुत आडंबर वाली स्थितियां चल रही हैं। घरों में मूर्तियां कितनी लंबाई की होना चाहिए इस बात का ध्यान बहुत जरूरी है। होता क्या है कि देखा देखी हम लोगों ने धर्म को और हमारी पूजा पद्धति को बहुत ज़्यादा बिगाड़ लिया है। अमुक के घर में इस ढंग की पूजा है तो हम वो सारी अपने घर में भी करने लगते हैं।
तो घर में जो पूजा करना, उसके लिए शास्त्र का प्रमाण यह है कि सबसे श्रेष्ठतम जो पूजा होती है देवता की, उसकी मूर्तियां अंगुष्ठ प्रमाण की होना चाहिए, हमारे अंगूठे के बराबर। और इतनी बड़ी मूर्तियां हमारे घर में पूजन में होना चाहिए। उससे यदि और अधिक आपकी इच्छा है तो ज्यादा से ज्यादा बालिस्त प्रमाण, ये जो हमारी बालिस्त होती है यहां से लेकर के यहां तक के प्रमाण की हमारी मूर्तियां घर में रखी जानी चाहिए। यदि घर में और व्यवस्थाएं हैं, संपन्नता है, और हम घर में एक अलग से पृथक से मंदिर का स्वरूप रख सकते हैं, ईश्वर के एक स्थान को हम व्यवस्थित बना सकते हैं, तो फिर हम अपने हस्त प्रमाण की मूर्ति भी अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन मूर्तियों के साथ एक बात जुड़ी हुई है जो सबसे नाजुक स्थिति है। घर में मूर्तियां रखना आसान है, परंतु उनकी पूजा करना भी उतना ही आवश्यक है। क्या होता है, हमारे परिवारों में प्राचीन समय में आप देखें, गांव में हमारी एक बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। प्रत्येक गांव में एक मंदिर होता था, वहां एक पुजारी होता था। हर देवस्थान, कोई सा भी पूजन स्थल किसी भी संप्रदाय का हो, वहां पर एक व्यवस्था रहती थी कि यहां जो है एक व्यक्ति होगा, उसके साथ जमीन होगी, और फिर उस स्थान पर पूजन की व्यवस्था होती थी। हमारे परिवारों में कभी भी कोई विषम परिस्थितियां होती हैं, कभी किसी का यहाँ पे अशौच होता है, सूतक लग जाता है, चाहे वो वृद्धि सूतक हो चाहे मरण सूतक हो, दोनों ही परिस्थिति में हम देवताओं की पूजा नहीं कर पाते। तो प्राचीन हमारी जो परिपाटी है, जो शास्त्र सम्मत भी है, उसमें हम लोग अपने देवताओं को उस मंदिर में दे देते थे कि 10 दिन तक 12 दिन तक हम लोग जब तक शुद्धि नहीं होगी, पूजन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर पूजन किया जाएगा, और उस शुद्धि से हमारी देवताओं की पूजा कभी भी पूरी तरह से, जब हम शुद्ध हो जाते थे, उस अशुद्धि से हमारा कोई भी ऐसा परेशानी का कारण नहीं बनता था, पूजन निरंतर चलता था। अब क्या होता है कि घर में हम देवता तो ले आते हैं, फिर कभी हमें कहीं बाहर जाना होता है तो देवता घर में बंद करके चले जाते हैं, 15-20 दिन बाद घूम फिर करके आए, देवता बैठे हुए हैं, ना उन्हें भोग लग रहा है, ना उनकी पूजा हो रही है, और ना ही उन्हें दीपक इत्यादि दिखाया जा रहा है। तो क्या होता है कि यह जो देव शक्तियां हैं, ये श्राप भी देती हैं, और उसी से फिर हमारे घर में परेशानियां पैदा होती हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम देवता घर में रखें, पर उनके साथ में जो आचार विचार है उसका भी पालन करें। उन आचार विचार में हम क्या देखें, देवता हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो व्यवस्थाएं हमें चाहिए वही देवताओं को भी चाहिए, और इसलिए आप जितनी छोटी पूजा, जितनी छोटी व्यवस्था और जितना छोटा सा ध्यान इत्यादि रखते हुए अपने इष्ट की पूजा करेंगे, वह ज़्यादा फलीभूत होगी, वह ज़्यादा हमारे लिए कारगर होगी। तो ये कुछ सामान्य बातें जो आज बहुत सारे प्रश्न इस ढंग के आए, इन पर हम लोगों ने चर्चा की। अभी बहुत से विषय हैं जिन पर हमारी जिज्ञासाएं हैं, और इन जिज्ञासाओं के क्रम में हम अगले विषय को लेकर फिर आ रहे हैं। आप जो कुछ भी प्रश्न इस ढंग के आपके सामने आते हैं, आप उन प्रश्नों को पूछें, निसंकोच पूछें, ताकि हमारे मन की भ्रांतियाँ दूर हों और हम अपनी शास्त्र परंपरा का पालन कर सकें, हमारी ऋषि परंपरा को दृढ़तापूर्वक स्थापित कर सकें। इसी संकल्प के साथ शुभकामनाएं।